तो हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब आप लोगों को कहीं चोट वगैरह लग जाती है, यानी मान लो आपके हाथ में कहीं कट वगैरह लग गया, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ की स्किन पहले जैसी हो जाती है, यानी नॉर्मल हो जाती है। या फिर बात करें तो पहले जब बचपन में हम लोग इतने छोटे से थे और आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, तो हमारी बॉडी का साइज यहाँ पे कैसे बढ़ता है, कैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, तो इन्हीं सारी चीज़ों का आंसर हम लोग को आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन की, तो ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी जो एक सेल होती है वो यहाँ पे दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाती है। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, सेल डिवीजन हमारा इस तरह नहीं होता है कि सेल हमारी डिवाइड होकर इस तरह हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि सेल डिवीजन हमारा इस तरह होता है कि जब हमारी एक सेल डिवाइड होती है तो यहाँ पे वो दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो सेल डिवाइड होती है उसको यहाँ पे पेरेंट सेल का नाम दे दिया जाता है, और जो दो अलग अलग सेल डिवीजन के बाद हमें देखने को मिलती हैं उनको यहाँ पे डॉटर सेल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल डिवीजन को सेल रिप्रोडक्शन या फिर सेल मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, तो सेल डिवीजन में भी हमारी क्या हो रहा होता है, दो नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको सेल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। या फिर बात करें सेल मल्टीप्लिकेशन की, तो आप लोग को पता है कि जब हमारी एक सेल डिवाइड होती है तो वो दो में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जब वो दो आगे चल के डिवाइड होंगी तो चार में, फिर चार आठ में, आठ सोलह में, तो इसी तरीके से आप लोग देख रहे हो कि सेल अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे सेल मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो हमें हर 24 घंटे में एक बार देखने को मिलती रहती है। या फिर इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हो कि जो हमारा सेल डिवीजन का टाइम होता है, यानी एक सेल जब यहाँ पे डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट होती है, तो वो पूरी टाइमिंग हमारी 24 घंटे की होती है, यानी 24 घंटे में हमारी एक सेल दो में डिवाइड होती है। अब देखो, जो सेल डिवीजन है वो बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग माइटोसिस को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल बेसिकली हमारा सेल डिवीजन ही होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस नाम से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सेल साइकिल पूछा गया, ठीक है, लॉन्ग में, तो आप लोग पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस ही लिख के आना। लेकिन मान लो कभी कभी अगर ये दो नंबर में इसकी स्पेशल डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो यहाँ पे सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है कि जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारे जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो 24 घंटे की होती है, तो 24 घंटे के बीच में हमारी सेल डिवीजन, यानी कि जब हमारी एक सेल दो में डिवाइड होती है, तो उसके बीच में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं सेल में, ठीक है, कैसे यहाँ पे सेल डिवाइड होती है, तो वही सारे जो चेंजेस होते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे सेल साइकिल बोला जाता है। देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो जहाँ पे शुरू होती है वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है, और जो हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे सेल साइकिल बोला जाता है। यानी कि सेल डिवीजन हमारा जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो अभी आप लोग जब आगे देखोगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे नीड ऑफ सेल डिवीजन की, यानी सेल डिवीजन की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है, लाइक अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग जब यहाँ पे छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का साइज यहाँ पे कैसे बढ़ता है, जब यहाँ पे सेल डिवाइड करती हैं। देखो, जब सेल डिवाइड करती है तो सेल के नंबर्स बढ़ते हैं, और जब सेल के नंबर्स बढ़ते हैं तो हमारा मसल मास ग्रो करता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमें जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं बात करें तो जो हमारी ओल्ड और डेड और इंजर्ड सेल होती हैं, यानी कि कुछ कुछ सेल हमारी ऐसी हो जाती हैं जो काम करना बंद कर देती हैं, जिनके अंदर के ऑर्गनल्स यहाँ पे फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं। या फिर बात करें इंजर्ड, यानी कि जब हमें कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, यानी कि जब हमें कहीं चोट वगैरह लगती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ की सेल डेड हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो अब वहाँ पे अगर दोबारा से चीज़ों को नॉर्मल करना है तो क्या करना होगा, जो सेल यहाँ पे डेड हो गई हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करना होगा। तो उनको रिप्लेस कैसे करते हैं, जब यहाँ पे सेल डिवाइड होती है तो वहाँ की सेल जो है रिप्लेस हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है कुछ दिन बाद हमें पहले जैसी नॉर्मल देखने को मिल जाती है। और वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमारा गेमेट का फॉर्मेशन होता है वो भी हमारा सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अब गेमेट वाला टॉपिक आप लोग को मायोसिस में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बाकी सिंपली आप लोग समझ लो कि गेमेट होता है हमारा स्पर्म और ओवम होता है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे गेमेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फेजेज ऑफ सेल डिवीजन के बारे में, यानी कि जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो हमें किस तरह देखने को मिलती है। तो देखो, इसके अंदर बेसिकली हमें दो फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा इंटरफेस
और दूसरा होता है हमारा एम फेज। अब देखो ये हमारा सेल साइकिल या फिर फेजेज ऑफ सेल डिवीजन का एक फिगर है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब इन दोनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तभी आप लोग को ये फिगर समझ में आएगा। ओके, तो इसको हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंटरफेस की, तो ये हमारी सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, यानी कि जो हमारी सेल डिवीजन के 24 घंटे होते हैं उसमें से 23 घंटे हमारे इंटरफेस में ही लग जाते हैं, यानी पूरी सेल डिवीजन का जो 95% टाइम होता है वो हमारा इंटरफेस में ही चला जाता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंटरफेस है ये हमारी सेल डिवीजन का सिर्फ प्रिपरेशन टाइम होता है, यानी कि इस वाले फेस में सेल अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। देखो मेन सेल डिवीजन हमारा एम फेस में होता है और एम फेस हमारा सिर्फ 1 घंटे का होता है, यानी कि जो सेल डिवीजन की एक्चुअल प्रोसेस है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो जाती है। 23 घंटे तो हमारी सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करने में ही ले जाती है। अब आप लोग इस चीज़ को बहुत ही सिंपली समझ सकते हो कि जैसे हम लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे साल हम लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, और हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो कितनी देर का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि जो फाइनल प्रोसेस होती है वो बहुत कम की होती है, ठीक है, रिजल्ट हमारा बहुत ही जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन होती है उसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारा सेल डिवीजन का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर होता है जो एम फेस में होता है, लेकिन जो हमारा तैयारी वाला फेस होता है यानी कि जब सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है वो हमारा 23 घंटे का टाइम यहाँ पे ले जाता है। अब इंटरफेस में भी बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग फेस होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा G1 फेस, दूसरा होता है हमारा S फेस और तीसरा होता है हमारा G2 फेस। अब इन तीनों को भी हम लोग एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सेल का एक बेसिक रिवीजन देख लेते हैं ताकि आप लोग को आगे की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल की, तो हम लोग को पता है कि सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस होती है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही होती है। तो देखो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस की जो ऊपरी लेयर होती है वो यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और देखो मैंने आप लोग को सेल वाली वीडियो में बताया था कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब, जब यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। देखो जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो हमें सिंपली क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। देखो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, जो थोड़ा धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो ये यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब, जब हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो उसी को हम लोग को आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखना है। अब देखो सेल डिवीजन के टाइम हमें सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो यहाँ पे थोड़ा प्लस लाइक होता है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये यहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम ही एक्टिवेट होता है। तो अभी यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है और क्रोमैटिन फाइबर्स है, तो इन दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लो, क्योंकि जो पूरा सेल डिवीजन है उसमें इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें G1 फेस की, तो इसको हम लोग सिंपली फर्स्ट ग्रोथ फेस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो हमारा सेल होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी सेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। और इसके अंदर सेल क्या करता है कि जो उसके ऑर्गेनस होते हैं, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनस हम लोगों ने देखा था जो सेल के अंदर देखने को मिलता है, लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्गी बॉडी हो गया, ठीक है, राइबोसोम, क्रोमोसोम, तो ये सारे जो ऑर्गेनस होते हैं उनको यहाँ पे वो रेप्लिकेट कर देता है। यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, यहाँ पे जो है अपने ऑर्गेनस की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसको आप लोग थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा G1 फेस होता है उसमें हमारा सेल क्या करता है, जैसे हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी बॉडी है, तो इनकी एक एक कॉपी बनाना देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक और माइटोकॉन्ड्रिया इसने बना दिया, एक और गॉल्गी बॉडी बना दी। अब देखो यहाँ पे कॉपी क्यों बनाता है, क्योंकि आप लोग को पता है सेल डिवाइड होने वाला है, तो हमें जो है दो अलग अलग सेल देखने को मिलेंगी। तो दो अलग अलग सेल में जो है ऑर्गेनल्स भी तो दो होने चाहिए, यानी कि जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में चला जाएगा और दूसरा यहाँ पे दूसरे वाले सेल में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सेल क्या करता है, कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब देखो जो हमारा G1 फेस होता है वो बेसिकली 8 से 10 घंटे का होता है। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने एस फेस की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस फेस के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली जो G1 और G2 फेस होता है उसके बीच का एक इंटरवल होता है, यानी कि जो G1 और G2 फेस है उसके बीच में हमें एस फेस देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या करता है सेल, कि जो उसका DNA होता है, ठीक है, उसकी कॉपी बनाता है। देखो G1 फेस में क्या करता है सेल, अपने ऑर्गेनल्स की कॉपी बनाता है, और जो एस फेस होता है इसमें जो हमारा सेल होता है वो यहाँ पे अपने DNA और सेंट्रोसोम की कॉपी बनाता है। देखो सेंट्रोसोम हम लोगों ने देखा था ना, जो प्लस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम और DNA की कॉपी बना देता है एस फेस में,
तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेल ने क्या किया, इसकी एक और कॉपी बना दी, ठीक है। और जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे एस फेस में सेल बनाना स्टार्ट कर देता है। और वहीं फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे जी टू फेज की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो हमारी सेल ग्रोथ होती है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, और जो उसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते रहते हैं, ठीक है। और जो जी टू फेज होता है वो बेसिकली हमारा 4 से 6 घंटे का होता है। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं अपने एम फेज की। तो ये हमारी सेल डिवीजन का फाइनल फेज होता है, और ये यहाँ पे 2 टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। यानी यहाँ से कुछ सेल हमारी माइटोसिस सेल डिवीजन में चली जाती हैं और कुछ हमारी यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन में चली जाती हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे माइटोसिस को अच्छे से कवर करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा पेरेंट सेल होता है, ठीक है, तो वो जो डॉटर सेल बनाता है, यानी कि जब एक सेल हमारा डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट होता है, वो जो 2 डॉटर सेल होती हैं वो यहाँ पे अपने पेरेंट सेल की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। यानी कि जो हमारी डॉटर सेल होती हैं उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ एकदम सेम होता है जैसा यहाँ पे पेरेंट सेल के अंदर होता है। और बेसिकली बात करें तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जितने यहाँ पे पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही यहाँ पे डॉटर सेल में भी देखने को मिलते हैं। और यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस भी होता है। अब पहले आप लोग इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और अगर इनको यहाँ पे 2-2 के पेयर में डिवाइड कर दिया जाए तो इनको यहाँ पे 23 पेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि हमारा जो सेल होता है एक सेल के अंदर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। यानी कि इसमें 46 है तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46, यानी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर कॉपी बनती है। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 हो जाते हैं। तो यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस भी होता है। तो आज की वीडियो में तो फिलहाल हम लोग माइटोसिस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमारी पूरी बॉडी सेल में देखने को मिलता है। यानी बात करें तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है वो यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड होती हैं। सिर्फ यहाँ पे जो हमारी जर्म सेल होती है और जो न्यूरॉन सेल होती है उसको छोड़ के यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है, यानी हमारी हाथ पैर नाक कान इन सब की जो भी सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड होती हैं। अब देखो, जो हमारी जर्म सेल होती हैं इसमें बेसिकली हमारा स्पर्म एंड ओवम आ जाता है, तो वो यहाँ पे मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन सेल की, तो देखो न्यूरॉन सेल के अंदर हमें डिवीजन देखने को ही नहीं मिलता है। यानी न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं अगर वो डैमेज हुई तो उसके अंदर जो है कोई सेल डिवीजन देखने को ही नहीं मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर दिमाग में चोट लगी तो फिर बाद में सही होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेल है वो देखो रिपेयर कब होती है, वो रिपेयर तब होती है जब यहाँ पे डिवाइड होती है। तो जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो हमारी सेल रिपेयर ही नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर यहाँ पे हमारी नर्व सेल्स के अंदर कोई भी डैमेज हुआ तो वो दोबारा रिपेयर नहीं होता है। अब देखो, जो हमारा माइटोसिस है इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। देखो, जैसा हम लोगों ने बोला था, इक्वेशनल का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 46 यहाँ पे पेरेंट सेल में रहते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम है, यानी कि इक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। अब देखो, जो हमारी माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो ये भी बेसिकली हमारी 2 स्टेज में होती है, जिसमें पहला होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो देखो, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो आप लोग को पता है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है सेल का वो यहाँ पे डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस में। यानी कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो हमारा सेल का न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में कन्वर्ट होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखो साइटो, तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है और सेल हमारी जो है नई सेल फॉर्म हो गई है, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा जो माइटोसिस है वो यहाँ पे 2 स्टेज में होता है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की, तो ये हमारा न्यूक्लियर डिवीजन की प्रोसेस होती है। यानी इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता है। और ये भी बेसिकली 4 फेज में होता है, जिसमें पहला होता है हमारा प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और फोर्थ होता है हमारा टेलोफेज।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोफेज की, तो जो हमारा अर्ली प्रोफेज होता है यानी कि प्रोफेज की स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। और उसके बाद जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि सेल के अपोजिट पोल में चले जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल या फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग इसको सिंपली इस तरह समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, क्या होता है कि हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, वो यहाँ पे क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, जिसकी कॉपी बनी थी, ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि एस फेस में सेंट्रोसोम की कॉपी बनती है, और ये कॉपी क्या होती है कि ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स यानी कि ये आप लोग देख रहे हो ना, थोड़ा धागेनुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पे क्यों बनते हैं आप लोग को इसके नेक्स्ट वाले फेस यानी कि मेटाफेस में समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो क्रोमोसोम हमारा स्टार्टिंग में इस तरह नहीं होता है। देखो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्रोफेज की स्टार्टिंग में देखो क्या होता है कि पहले हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, जिसमें हमारी सिर्फ एक आर्म होती है, यानी कि हमारी क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक साइड में आर्म देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये आर्म की जो है कॉपी बननी स्टार्ट हो जाती है और ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलने लगता है, जिसके अंदर हमें जो है दो आर्म देखने को मिलती है क्रोमोसोम की। और जब हमारा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर्म है इसको यहाँ पे सिस्टर आर्म भी बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए इस वाले क्रोमोसोम को यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर क्रोमेटिड्स या फिर क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम तो हमारा ये भी है, क्रोमोसोम तो हमारा ये भी है, लेकिन इसको यहाँ पे कुछ इन सारे नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग को अगर ये इस नाम से देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा देखो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्रोमोसोम का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर सिस्टर क्रोमेटिड या फिर क्रोमेटिड तो बोला जाता है, लेकिन अगर आप लोग को कोई ये वाला स्ट्रक्चर दे दे क्रोमोसोम का तो इसको हम लोग सिर्फ क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड या फिर क्रोमेटिड नहीं बोला जाता है। तो गलती से भी अगर आप लोग को कोई ये वाला क्रोमोसोम दिखाए तो ये हमारा सिर्फ क्रोमोसोम होता है और इसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर इन सारे नामों से भी जानते हैं। और वहीं पे जो हमारा लेट प्रोफेस होता है यानी प्रोफेस के लास्ट में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो अदर सेल ऑर्गेनस होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो डिसअपियर क्यों होते हैं अभी आप लोगों को अगले वाले फेज में समझ में आ जाएगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मेटाफेज की, तो जो हमारा मेटाफेज होता है उसमें जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है यानी कि जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जिसको हम लोगों ने देखा था सेंट्रोसोम में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारे क्रोमेटिड्स थे यानी कि जो हमारा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था उसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो मेटाफेस है उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेस में क्या हो रहा था कि हमारे जो क्रोमोसोम थे उनका फॉर्मेशन हो रहा था और जो हमारा सेंट्रोसोम था उसमें स्पिंडल फाइबर यानी कि कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर निकल रहे थे। अब मेटाफेस में देखो क्या हो रहा है कि ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर निकल रहे थे ये यहाँ पे निकल के जो है हमारे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उनको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब आप लोग देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ चार क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं क्योंकि उतनी 46 को बनाने की जगह तो है नहीं, तो हम लोग जो है चार क्रोमोसोम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चार क्रोमोसोम यहाँ पे सेंटर में आ गए और सेंटर में कैसे, देखो यहाँ पे थोड़ा बंध गए, ठीक है, और ये बंधे किससे हैं, स्पिंडल फाइबर से जो यहाँ पे सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम बंद थे वो भी यहाँ पे गायब हो गए, ठीक है, देख रहे हो वहाँ पे सब मतलब न्यूक्लियस गायब हो चुका है और सारे सेल ऑर्गेनस यहाँ पे गायब हो चुके हैं। देखो गायब क्यों हुए, क्योंकि अब यहाँ पे सेल जो है अलग होने वाली है, ठीक है, तो जब अलग होने वाले तो यहाँ पे जो ऑर्गेनस होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं ताकि अच्छा खासा स्पेस मिल सके, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग अपने एनाफेज की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं यानी कि जो हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे अलग हो जाते हैं और सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैच किससे होता है, ये जो सेंटर में आप लोग को बीच में सेंटर दिख रहा है इसको यहाँ पे
जो है सेंट्रोमेयर बोला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर से क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है अटैच होते हैं, यानी कि जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच होती है, तो ये अलग हो जाती है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि जो हमारा एनाफेस है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी या फिर जो हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे जो सेंटर में आ गए थे वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं, ठीक है, और सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं, यानी एक हमारा सेल के इस पोल में चला जाता है और दूसरा हमारा सेल के इस पोल में चला जाता है। देखो आप लोग इसको यहाँ पे देखो, ये अलग हो गया ना, ये देखो जैसे ये हमारा था, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसा हुआ, ये यहाँ पे ऐसे अलग हो गया और ये यहाँ पे ऐसे अलग हो गया। अब देखो जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, ठीक है, जब वो एक बार यहाँ पे सेपरेट हो जाती हैं तो वो फिर से यहाँ पे क्रोमोसोम में बदल जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोसोम का जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको यहाँ पे क्रोमैटिड्स भी बोला जाता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी बोला जाता है, क्रोमोसोम भी बोला जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम बोला जाता है, अब इसको यहाँ पे क्रोमैटिड्स नहीं बोला जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो एनाफेस में अलग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बदल गया, तो अब ये सिर्फ हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्रोमैटिड नहीं बोला जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और फाइनली जो हमारा टेलोफेस होता है उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम यहाँ पे सेल के अपोजिट पोल में गए थे उनकी वजह से हमारी सेल जो है अलग होना स्टार्ट हो जाती है और हमारा वहाँ पे जो क्रोमोसोम थे उनके अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और हमारी जो सेल है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो इसको आप लोग देखो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो हमारे अलग अलग पोल में गए थे तो इनकी वजह से क्या हुआ कि ये हमारी सेल जो है वो डिवाइड हो गए। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, तो एनाफेस में क्या हुआ था, ये हमारे जो क्रोमोसोम थे वो वहाँ पे अलग अलग जो है पोल में चले गए थे, ठीक है, सेल के अलग अलग पोल में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है अलग पोल में गए तो सेल का साइज यहाँ पे ऐसे बढ़ने लगता है, ठीक है, और फिर सेल कुछ हमारी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और ये जो हमारे क्रोमोसोम थे, ठीक है, तो इनके अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि क्रोमोसोम हमारे कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में ही तो रहते हैं। देखो अब हमारी सेल का जो डिवीजन है वो यहाँ पे लास्ट फेज में पहुँच चुका है, यानी अब हमारी सेल बिल्कुल डिवाइड होने वाली है। तो टेलोफेस में क्या होता है कि टेलोफेस में यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और वहीं साइटोकाइनेसिस में जो कि हमारे सेल डिवीजन का लास्ट स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और जो ऑर्गेनल्स हमारे डिसअपियर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे फिर से अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी सेल जो है डिवाइड हो जाती है और दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, तो उसमें जो ये हमारी सेल थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से अलग हो जाती है, ठीक है, और हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे अलग हो जाता है और ये जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये यहाँ पे फिर से जो है क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि अब देखो हमारी सेल बन चुकी है। जब सेल यहाँ पे डिवाइड हो गई तो यहाँ पे क्रोमोसोम का काम खत्म हो गया, अब क्रोमोसोम हमारे फिर से क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अराउंड में यहाँ पे जो है हमारे साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर हमारे ऑर्गेनल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारी सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होकर दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और वही चीज़ हमारी इन दोनों में लिखी हुई है जिसको आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो, यानी कि देखो टेलोफेस में क्या होता है कि जो डॉटर क्रोमोसोम होती है वो यहाँ पे अपोजिट पोल में पहुँच जाती है और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम में फॉर्म हुए थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है अगेन क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और न्यूली फॉर्म सेल में ऑर्गेनल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो डॉटर सेल होती है, अब आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो डॉटर सेल बनी है, ठीक है, यानी कि सेल जब बन चुकी है पूरी, दो सेल हमारी जो दो नई सेल तैयार हुई हैं, अब वो फिर से इंटरफेस में चली जाती हैं, यानी कि फिर से यहाँ पे वो दो सेल भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं और अब वो दो चार में, चार आठ में, आठ सोलह में, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी की सेल जो है डिवाइड हुआ करती है और हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है। यानी कि ये हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि एक सेल डिवाइड हो गई तो वो खत्म हो गई, अब एक सेल डिवाइड हुई तो वो दो चार में डिवाइड होंगी, चार आठ में, और हमारा सेल डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। अब इसको आप लोग सिंपली यहाँ पे इस फिगर से समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्रोमोसोम हमारे किस में कन्वर्ट हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स में, और फिर ये क्रोमैटिड्स क्या हुए, जो है सेंटर में अलाइन हो गए, किससे, हमारे जो सेंट्रोसोम थे, ठीक है, और उसके जो स्पिंडल फाइबर थे उसकी हेल्प से यहाँ पे सेंटर में अलाइन हुए। फिर सेंटर में अलाइन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग पोल में पहुंच गए और अलग अलग पोल में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि हमारी दो नई सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस फिगर को देखा था, तो अब आप लोगों को ये फिगर समझ में आ जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी सेल डिवीजन में दो फेस होती हैं, पहला होता है हमारा एम फेस, दूसरा होता है हमारा इंटरफेस। तो जो हमारा इंटरफेस होता है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, तो ये हमारा पूरा 23 घंटे का होता है, और जो हमारा एम फेस है वो हमारा सिर्फ एक घंटे का होता है। और जो हमारी इंटरफेस है उसके अंदर भी हमारी तीन फेस होती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा जी1, दूसरा होता है हमारा एस
और तीसरा होता है हमारा G2। अब G1 को क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेस। S को क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेस। और G2 को क्या कहते हैं? सेकेंड ग्रोथ फेस। और जो हमारा M फेस होता है उसके अंदर भी हमें चार अलग अलग फेस देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला हमारा प्रो फेस, दूसरा हमारा मेटा फेस, तीसरा हमारा एना फेस और फोर्थ है हमारा टेरो फेस। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक यानी कि हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।